तो फ्रेंड्स फाइनली हमारा सीटी लग चुका है और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। तो अब मैं टेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हम लोग भी बहुत अच्छे से हैं। तो आज कुछ अलग तरह का वीडियो लेके आ रहे हैं, घर पे ही शूट कर रहे हैं और अलग तरह का वीडियो है और बहुत ही मजेदार वीडियो है। आपको देखते ही खाने का मन करेगा और मुंह में पानी आ जाएगा। बाहर का वीडियो तो बहुत बनाया है आपको, नॉनवेज का और वेज का जो भी वीडियो है बहुत देखने को मिला है मेरे वीडियोज में। आज का वीडियो जो बनेगा घर में ही बना रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन चीज, और मम्मा बनाएगी वो और आपको दिखाएंगे पूरा तरीका बनाने का। और हमारे घर में बना रहे हैं आज मटन और चावल। तो आइए आपको ले चलते हैं किचन में और दिखाते हैं कैसे प्रिपरेशन होता है उसका। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स ये देखिए, अच्छे तरीके से धो के मटन को रख लिया है। ये अराउंड 700 ग्राम मटन है। प्याज है, यहाँ पे खड़ा मसाला सब है, तेज पत्ता, गोलकी, काली मिर्च, हरी मिर्च, लाल मिर्च, यहाँ ऑयल, सरसों का तेल, और इसमें मैडम बताएगी जो रेसिपी बना। इसमें सभी मसाले हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक पेस्ट, सभी मसाला उसमें मिक्स करते हैं। ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें जा रहा है तेज पत्ता, तो ये सब डाल देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए ऐड कर देंगे, तेल हमारा काफी अच्छे से गर्म हो गया है। और अब ये क्या डाल दिया, हरी मिर्च भी, मिर्च का फ्लेवर थोड़ा सा, मिर्च में पानी छिटा भरा है, मेरा कैमरा भी थोड़ा सा हिल रहा है। अब इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज, और प्याज डालने के बाद अब इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे जब तक प्याज थोड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तब इसे इस तरह से फ्राई करते रहेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, ताकि हमारा प्याज थोड़ा अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है, हल्का ब्राउन कलर आ गया है इसमें। अब हम जो भी हमारा सब मसाला ऐड किया हुआ था, वो ये मसाला हम इसमें डाल देंगे। अब साथ में मसाला के साथ फ्राई करेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए, इसमें हमने सभी मसाला ऐड कर दिया है। अब मसाले को भी अच्छे से थोड़ी थोड़ी देर से इस तरह से फ्राई करते रहें। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से हमारा मसाला फ्राई हो रहा है, कितना यम्मी दिख रहा है अच्छी से। हम मटन भी ऐड कर देंगे साथ में, मटन के साथ मसाला और या और फ्राई डालेंगे। तो फ्रेंड्स ये मसाला के साथ जो हमारा प्याज फ्राई हो रहा है, और अब मटन के साथ भी इसको मिला के फ्राई करने जा रहा है। ये देखिए, ये गया हमारा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये मसाला भी मिक्स हो रहा है मटन में, और इसे हम इस तरीके से फ्राई करते रहेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मटन भूनते भूनते कलर चेंज हो रहा है, बिकॉज मटन जो है मसालों के साथ मिक्स हो गया है बढ़िया तरीके से। मगर अभी इसे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे, बाद में इसको सीटी दिलाएंगे। क्यों, क्या बोल रहे हैं आप? अभी फ्रेंड्स देखिए कितना अच्छा, मतलब भूनते भूनते ना इसका कलर ही चेंज हो गया, इतना मस्त लग रहा है ना कलर। और ये जब पूरा बन जाएगा उसके बाद आप देखेंगे ना, तो देखने का मन ही नहीं करेगा, लगेगा कि खा ही जाए इसको सीधा। वाह वाह, मेरे मुंह में तभी से पानी आ रहा है फ्रेंड्स। सही में बहुत ही टेस्टी मटन बनने वाला है, और बाबू भैया स्कूल आने वाला है, उसको सरप्राइज मिल जाएगा मटन और चावल का साथ में। और रियली में देख के ही मजा आ रहा है, अभी वीडियो में देख के ही आप कलर देख के ही बता सकते हो कि कैसा बन रहा है ये। तो रियली में बहुत टेस्टी बनने वाला है, और घर का रेसिपी, घर का खाना, घर का ही खाना। तो आज घर में ही खाना बन रहा है मस्त। और
और फ्रेंड्स अगर आपको मटन राइस खाना, जो नॉन वेज खाते हैं, जो मटन खाते हैं, तो फ्रेंड्स ये देखिए फ्राई करते करते क्या खूबसूरत कलर निखर के आ रहा है और अच्छे तरीके से मसाला फ्राई हो चुका है मटन के साथ। तो फाइनली फ्रेंड्स ये देखिए अब जा रहा है हमारा, इसमें फाइनली अब ऐड होने जा रहा है गरम मसाला और मीट मसाला, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा, और गरम मसाला। तो फ्रेंड्स अब ये मसाला डाला गया, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के हमने इसमें ऐड कर दिया पानी, हमारा पानी ऐड हो चुका है और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया गया है। अब लगा देंगे ढक्कन कुकर का और 3 से 4 सीटी आने देंगे अच्छी तरीके से, और उसके बाद हमारा यम्मी टेस्टी मटन रेडी हो जाएगा। फिर आपको टेस्ट करके हम बताएंगे मम्मा कैसा बनाई है और कैसा बना है। घर का खाना तो बढ़िया बनेगा ही। ये देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा है। फाइनली हमारा सीटी लग चुका है और ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना खूबसूरत हमारा मटन तैयार हुआ है, मस्त लग रहा है, कलर भी मस्त लग रहा है। मेरा तो बोलने को भी नहीं, मुँह से पानी आ रहा है। यहाँ मटन निकल चुका है, यहाँ चावल, प्याज, मिर्चा, और यहाँ पे हमारे अंकल जी। तो अंकल जी करेंगे टेस्ट और फिर बताएंगे कैसा है, उसके बाद मैं खाऊंगा। चलिए निकालिए अंकल जी, निकालिए। कैसा बना है? सुपर से ऊपर। अरे वाह, सुपर से भी ऊपर, वाह। और मीट पका है ठीक से? एकदम ठीक से पका, पक गया ना, बढ़िया बना ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अंकल को तो बढ़िया लगा, अब हम खा के देखते हैं, टेस्ट करते हैं। अब मैं अपना निकालता हूँ, ग्रेवी राइस के ऊपर ही लेते हैं बढ़िया से, इसके ऊपर ही डाल लेते हैं, फिर टेस्ट करते हैं कैसा है। अंकल ने तो पास कर दिया, अब मेरी बारी है। तो अब मैं टेस्ट करता हूँ फ्रेंड्स, ये देखिए पहले थोड़ा ग्रेवी लेके, वाह, घर का खाना घर का ही है, परफेक्ट। मसाला वगैरह सब बढ़िया से है, स्पाइसी भी परफेक्ट है, स्पाइसी भी ज़्यादा नहीं हुआ है। मुझे थोड़ा खाने का आया था तो ग्रीन चिली लेके बैठा हूँ। पक भी काफ़ी बढ़िया से गया, ये देखिए। नहीं अंकल, बढ़िया से पक गया एकदम, जैसे होता है थोड़ा सा खींचना पड़ता है। ये देखिए एकदम सॉफ्ट, मजा आ गया। कैसा बना है आज का खाना अंकल जी, और आप भी बताओ, मटन और चावल बना है, अंकल को तो बहुत स्वादिष्ट लगा, और आपको कैसा लगा खाना? जो है ना एकदम बकवास नहीं बोल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया बना है खाना। एकदम बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया बना है। चलो मटन वटन बढ़िया से कर गया है, मस्त लंच हो गया। लंच वैसे नहीं, एक नंबर, थैंक यू सो मच। ऐसे तो खाना अच्छा बनाती ही है, आज मटन भी बनाई तो बहुत बेहतरीन बना। बाहर का तो वीडियो आप बहुत देखते हैं, आज घर का रेसिपी देखिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। और
ऐसा नहीं है कि ये हम ऐसे ही बोल रहे कि ये बना दी तो अच्छा बना था, तो नहीं बताना कमेंट करके आज का रियली में बहुत बहुत टेस्टी बना था। आपको इसका कलर और सब कुछ देख के ही मालूम चल जाएगा, तो मजा आ गया खा के। थैंक यू, वेलकम। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को नहीं किए हो तो। मिलते हैं नए वीडियो में, धमाकेदार वीडियो लेके आएंगे फिर से।